हमें किसी चीज की जरूरत है तो वो है डाइवर्जन। तभी एक पोर्टल से जॉम्बी इनह्यूमन्स रॉयल फैमिली एंटर होती है, जहाँ पर किंगपिन कहता है, वेलकम योर हाइनस, हमारे पास बहुत कुछ है डिस्कस करने को। हम मॉनिटर कर रहे हमारे एजेंट्स जो कि दूसरी दुनिया में है, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट करने लायक है और हमारा प्लान अब बहुत जल्द सफल होने वाला है। ये सुसमाचार सब तरफ फैलने वाला है, लेकिन आपने बहुत लंबी जर्नी तय मून के ब्लू एरिया से, तो पहले दावत पर चलते हैं। और वो जैकाल को पुकारता है। तब जैकाल कहता है, मैंने अपनी पूरी आर्ट्स लगा दी है आपके लिए ये हर्ट जनरेट करने में, और कहता है चलिए। तभी वहाँ दूसरी तरफ मशीन मैन और जोकास्टा खड़े ये सब देख रहे थे, जहाँ पर जोकास्टा कहती है, वो एजेंट्स के बारे में क्या कह रहे थे। तब मशीन मैन कहता है चलो, वो चौकीदार साइड एंट्रेंस से हट चुका है, जल्दी चलो। और जोकास्टा साइड एंट्रेंस से अंदर जाते वक्त उन्हें लाइट्स दिखती है, जिस पर जोकास्टा कहती है, लाइट्स, ये अकेली बिल्डिंग होगी न्यूयॉर्क में जिसमें पावर है। तब मशीन मैन कहता है, ये जरूर इनह्यूमन्स टेक्नोलॉजी होगी, क्योंकि सारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स तो शट डाउन हो चुके हैं। तब ब्लैक बोल्ट अंदर जाता है और ये देख मशीन मैन उस पर कहता है, सवाल ये है कि इस जगह पर ऐसा इम्पोर्टेंट क्या है। तब जोकास्टा कहती है, बायोरिदमिक मॉनिटर ऑफ हो चुके हैं। तब वो देखते हैं क्लोन ट्यूब जिसमें से ह्यूमंस बाहर आ रहे थे। उन्हें देखकर जोकास्टा कहती है, ये रहे वो सारे ह्यूमंस जो मैंने डिटेक्ट किए थे। मशीन मैन जोकास्टा का मुंह पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी वो कहती है, क्लोन्स, वो मास प्रोडक्शन कर रहे हैं। ओह गॉड, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। तब मशीन मैन कहता है, ठीक है, अब यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता ढूंढो ताकि हम उनमें से एक का सैंपल ले सके। तब जोकास्टा कहती है, नहीं, हमें ह्यूमन ब्लड की जरूरत है और क्लोन्स के पास जेनेटिक इम्परफेक्शन होती है, तो हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, वो अच्छा नहीं होगा और हमारे यहाँ आने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तभी पीछे से कोई कहता है, एक्सक्यूज मी। तब हम देखते हैं एक लेडी को जो कहती है, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ होना चाहिए, मेरे हस्बैंड ने तुम दोनों को यहाँ आने की परमिशन दी है। तब जोकास्टा पूछती है, तुम्हारा हस्बैंड? तब वो लेडी कहती है, हाँ, तुम्हारा बॉस, तुम उन्हीं के लिए काम करते हो, है ना, सब तो करते हैं। तब मशीन मैन कहता है, नहीं, हम यहाँ से नहीं है, हम ट्रैवलर्स है। तब वो लेडी कहती है, अच्छा, जैसे कि वो आदमी था सर्फबोर्ड पर। तब ये सुनकर मशीन मैन चौंक जाता है। वो बताने लगती है, एक साल पहले, या फिर नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन वो टाइम बहुत हार्ड था मैनेज करने के लिए। जब लक शुरू हुआ, वो स्टार्स से आया था और वो तबाह हो गया। उन लोगों ने उसे अपना खाना बना लिया और उन्हें मिली उसकी पावर्स, जिसे इस्तेमाल करके उन्होंने बाकियों को मार दिया। कुछ छिप गए और कुछ भाग गए। तब वो फ्रेश फूड की तलाश में तारों की तरफ चले गए। तब विल्सन को अपनी अपॉर्चुनिटी दिखी। वो इन्फेक्टेड था, लेकिन उसने मुझे सेफ रखा। उसने मुझे लॉक कर दिया अपने वॉल्ट में, और जब भी मैं आसपास होती, वो अपने हंगर को कंट्रोल कर लेता। लेकिन जब वो चले गए, उसने वो किया जो वो करना चाहता था। उसने अलायंस फॉर्ज की, जो कि नेसेसरी था एक एम्पायर बिल्ड करने के लिए। ये सब सुनकर मशीन मैन कहता है, लेकिन जो इन्फेक्टेड हुए उनके पास किसी तरह की सुपर पावर्स थी, तो आपके हस्बैंड कैसे बच निकले जबकि बाकी बच नहीं पाए। तब वो बताती है, क्योंकि उनके पास एक सुपर पावर है जिसके वो लायक है, उनकी विल, उनकी कभी न टूटने वाली विल, और इसी के साथ वो कुछ भी कर सकते हैं किसी भी हालात में, और उन्होंने वही किया। तब जोकास्टा उनसे उनका ब्लड मांगती है और कहती है, ये इम्पोर्टेंट है उस मेडिकल प्रॉब्लम के लिए जो हमारे होम प्लेनेट पर है, ये लगभग लाइफ और डेथ का मामला है। तब वो औरत कहती है, इस सिचुएशन में मैं मना कैसे कर सकती हूँ, एटलीस्ट यही है जो मैं कर सकती हूँ, बहुत दिन हो गए मैंने किसी से बात नहीं की विल्सन को छोड़कर, हालांकि वो मुझे दूसरों से सेफ रखता है, भगवान जानता है वरना वो लोग क्या करते हैं मेरे साथ। तब मशीन मैन उनसे पूछता है, क्या आप हमारे साथ वापस चलना चाहेंगी हमारी दुनिया में। तब जोकास्टा कहती है, अराउंड आर्मर क्वारंटाइन प्रोटोकॉल इसकी इजाजत नहीं देता। तब वो औरत कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती विल्सन के साथ, आखिरकार मैं ही एक ऐसी चीज हूँ जो उसे सपोर्ट करती है ये सब करने के लिए, और तुम्हारे कंसर्न के लिए थैंक यू, लेकिन मुझे उससे कोई डर नहीं है। 0.54 आवर्स एक स्टेशन की तरफ, जहाँ पर वो दोनों बाहर निकलते हुए एक दूसरे से कह रहे थे, तुम्हें क्या लगता है ज्यादा डरावना क्या है, ह्यूमंस की एबिलिटी अनस्पीकेबल थिंग्स करने की एक दूसरे के साथ, या फिर उनकी अडेप्ट करने की एबिलिटी किसी भी सिचुएशन पर, चाहे वो कितनी ही भयानक क्यों ना हो। तब जोकास्टा उस पर कहती है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस वक्त इस बारे में नहीं सोच रही, मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि यहाँ से बाहर कैसे निकले। तब मशीन मैन उस तरफ देखता है जहाँ पर जॉम्बीज उन लोगों को खा रहे थे,
और वो देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो सब देखकर उसे रोबोट्स दिखते हैं, जिसपे वो कहता है रुको। वो उन क्लोन्स के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसा वो रोबोट्स के साथ करते हैं, और मैं ये होने नहीं दे सकता। तुम जाओ और लिटिल स्काई का इंतजार करो ये सैंपल लेकर, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। जाओ, मैं वहां पर आ जाऊंगा। तब जोकास्टा कहती है एरॉन, तुम्हें मेरे सामने कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तब मशीन मैन कहता है मैं जानता हूँ, मुझे ये पहले से पता है। और उसके गालों पर किस करके वहां से जाते हुए जोकास्टा कहती है तुमने बहुत ही बेवकूफी भरा समय चुना है फिर से हीरो बनने के लिए। तब वो अपने दोनों हाथों के कैनन्स रेडी करते हुए कहता है हाँ मैं ये बहुत बार सुन चुका हूँ, और वो नीचे कूद जाता है। उसे देखकर किंगपिन कहता है कौन है वो। मशीन मैन उन सब जॉम्बीज पर हमला कर देता है, जिस पर किंगपिन कहता है टुकड़े कर दो उसके। अब क्या मशीन मैन बच पाएगा? क्या जोकास्टा वो सैंपल लेकर लिटिल स्काई के पास जा पाएगी? जानने के लिए देखिए हमारा अगला वीडियो।